हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फिफ्थ ऑफ चैप्टर 11, वर्क एंड एनर्जी। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स एनर्जी को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। और किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। अब हम एक बॉडी का फ्री फॉल देखते हैं कि फ्री फॉल के अंदर बॉडी में जो एनर्जी है वो कैसे कंजर्व रहती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लाइंग एट पोजिशन बी। है ना, हमने क्या कंसिडर कर लिया, हमने पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट बी, ए बी सी तीन पॉइंट ले लिए। इसमें हमने ये कंसिडर किया है कि जो टॉप पॉइंट है पॉइंट बी पर, यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है जिसका मास है स्मॉल m। इट इज मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड एज शोन इन फिगर। और ग्राउंड से, ग्राउंड पे पॉइंट कौन सा है आपका, c। ग्राउंड से इस जो b पॉइंट की हाइट है वो हाइट है h। ठीक है, और ये बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ये कैसा मोशन करेगा, ये आपका फ्री फॉल होगा इसका। ठीक है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। सो फर्स्ट हम एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एनर्जी क्या होगी। कि एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। देखिए, बी पर जो ऑब्जेक्ट है आपका या कोई बॉडी है वो रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो, रेस्ट स्टेट में। और एक सर्टेन हाइट पर है ग्राउंड से, एच से, तो वो कौन सी एनर्जी पजेस करेगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके अंदर, एम जी एच, एम उसका मास, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और एच जिस सर्टेन हाइट पर हमने उसको लाए कर रखा है। सो दैट इज पीई इक्वल टू एम जी एच एंड के इक्वल्स टू जीरो। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी एम जी है। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज कैलकुलेटेड एज टीई इक्वल्स टू पीई प्लस के ई। टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। अब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी वो तो है जीरो, तो टोटल एनर्जी हमको क्या मिलेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो क्या मिलेगी, एम जी एच। यानी एट पॉइंट बी द एनर्जी इज mgh, टोटल एनर्जी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, mgh। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, एट पॉइंट ए एज इट फॉल्स इट पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे अब हम फ्री फॉल होगा ऑब्जेक्ट का, तो जैसे जैसे फ्री फॉल होगा तो इट अटेन्स सम सर्टेन वेलोसिटी, वो एक वेलोसिटी से मूव करेगा, तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज, इंक्रीमेंट होता जाएगा, इंक्रीजेस होती जाएगी उसकी वेलोसिटी। इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अब क्या होगा, जैसे आपका फ्री फॉल हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी तो रिड्यूस होती जाएगी, और उसकी एनर्जी, ये रिड्यूस होने वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और क्यों, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को ने क्या अटेन कर ली है, एक वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से, सर्टेन फिक्स वेलोसिटी से अब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया है, और ये वेलोसिटी धीरे धीरे ग्राउंड लेवल तक जाते जाते इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर था। अब नाउ पीई कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विच इज एम जी। अब यहां पर जो हाइट है, देखिए ग्राउंड का पोजीशन सी से जो टॉप है बी, इसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा एच, सॉरी इसको हमने डिस्टेंस कंसीडर किया एच। सपोज दैट पॉइंट बी से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स। पूरे का एच है, इन दोनों के बीच में एक्स है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, टोटल में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये होगा h माइनस x, ऐसे इसको, इस हाइट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये सपोज दैट ये 5 है, पूरा c टू b 5 है और b 2 है,
2 है, तो a2 से क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने h हाइट को अलग अलग डिवाइड कर दिया, x और h माइनस x, और दोनों का हम सम करेंगे x प्लस h माइनस x, तो हमारी ये टोटल हाइट h ही हमको मिलेगी, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी तो हमारी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी एम जी। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर जब आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बी से पॉइंट ए पर आएगा तो उसने डिस्टेंस कवर किया एक्स, ठीक है, और एच उसने कवर कर लिया, तो अब ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी बची, पोटेंशियल एनर्जी कहां से कंसिडर होती है, हाइट उसकी ग्राउंड से, तो ग्राउंड से कितनी हाइट बढ़ी बची, ग्राउंड से हाइट बची उसके पास एच माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी में हम एच की जगह हम क्या कंसिडर करेंगे एच माइनस एक्स, तो वी राइट एज पीई इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी थी इसलिए हमने यहां पर एच कंसिडर किया था, पॉइंट ए पर अब एच माइनस एक्स रह गई इसलिए हमने यहां पर एच माइनस एक्स लिया है। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। अब देखिए अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज करेंगे किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि हम इसकी फॉर्म टर्म चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर थर्ड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, अब यहां पर एक्स को क्या लिया है, ये वाली जो हाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है डिस्प्लेसमेंट आई है ना, इसलिए हम एच की जगह या एच की जगह हम एक्स लेंगे यहां पर जो उसने ऑब्जेक्ट ने कवर किए। सो अब इस पोजीशन में यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू इक्वल्स टू जीरो एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एक्स, क्योंकि यू तो आपका हो गया जीरो, सो के ई इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। आप पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर टू जी एक्स इन द अबव फॉर्मूला। अब हम ये जो के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर है इसमें हम वी स्क्वायर की जगह क्या प्लेस कर देंगे, 2gx, जो कि हमको कहां से मिला है, इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो वी विल गेट ke की वैल्यू mgx। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, mgh माइनस x और ke mgx, तो टोटल एनर्जी क्या होगी पूरे सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू ये फर्स्ट mgh माइनस x ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgx ये हो गई आपकी कैलकुलेटेड एनर्जी। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, mgh mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल हो जाएगी, सो फाइनली वी विल गेट mgh, सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज आल्सो mgh। देखिए यानी पॉइंट बी पॉइंट ए दोनों पर हमको एनर्जी क्या मिली, सेम mgh। नाउ टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट एट पॉइंट सी, एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज। अब देखिए एक सर्टेन हाइट से जब ऑब्जेक्ट गिर रहा था, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा था ऑब्जेक्ट का, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होता जा रहा था और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी, और वो इसलिए बढ़ती थी क्योंकि वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी को अटेन करने के बाद कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट आ रहा था। अब while the kinetic energy would increases when the object is about to reach the ground at equals to zero and v will be the highest, yani jab object totally ground se touch karega aapke point c par aa jayega to uski potential energy to kitni ho jayegi zero, kyunki h kitna ho jayega zero, ab h zero hua to mgh mg into zero karega to bhi potential energy zero, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल जीरो हो जाएगी और सिर्फ अब आप ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी पजेस करेगा वो आपका ऑब्जेक्ट, ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो P इक्वल टू जीरो एंड K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और V स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वही उसी फॉर्मूले से जैसे इसने 2GX निकाला था, ठीक है, ये देखिए यहां पर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो हमने पॉइंट ए के लिए एक्स लिया था, अब हम पॉइंट सी के लिए पूरा क्या लेंगे, एच लेंगे, क्योंकि उसने कितना हाइट ट्रेवल कर लिया, एच हाइट ट्रेवल कर लिया, ठीक है, तो इसलिए हमने अब वी स्क्वायर यहां पर पुट करेंगे 2g है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर के 2g है, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो अगेन हमें क्या मिला, वी गेट एम जी एच, यानी टोटल एनर्जी क्या हो गई पॉइंट सी पर भी एम जी एच। तो ये क्या किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि टोटल एनर्जी जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी सिस्टम की कंजर्व होती है, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट पे अगर हमने फ्री फॉल में देखा तो एनर्जी सेम थी, इट रिमेन कॉन्स्टेंट।
Thus, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points. That is, potential energy plus kinetic energy equals to constant. जो मैंने अभी बात कही, वही यहाँ पर mention है. और mgh plus half mv square. देखिए इसी बात को इसने इस तरीके से इस form में represent किया है कि mgh plus half mv square equals to constant. This verifies the law of conservation of energy. Hello students. In this video, we will discuss a numerical on the basis of topic. Kinetic energy. So a van of mass 2000 kilogram is traveling at 10 meter per second. क्या कह रहा है कि 200 kg की एक mass है van का जो कि 10 meter per second से travel कर रही है. 10 meter per second मतलब कि ये क्या होगा इसकी velocity. Calculate its kinetic energy if its speed increases to 20 meter per second. हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कि अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाए 20 मीटर पर सेकंड बाय हाउ मच अमाउंट डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. और जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितना अमाउंट आ रहा है यानी कितना इंक्रीज हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द गिवन पैरामीटर्स. जितने भी गिवन पैरामीटर्स हैं हम उसको लिखते हैं. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर क्या है हमारे पास मास दैट इज 2000 किलोग्राम. So we write here m equals to 2000 kilogram. Next is first velocity kya hai uski 10 meter per second aur do velocity de rakhi numerical mein 10 meter per second aur 20 meter per second. To isko hum consider karenge v1 aur isko hum assume karenge v2. So here we write as v1 equals to 10 meter per second and v2 equals to 20 meter per second. अब हमें calculate क्या करना है? हमको calculate करना है जो difference आ रहा है kinetic energy के अंदर जो difference आ रहा है कि कितना amount से वो increase हो रहा है. ठीक है? तो यानी हमको दो time पे kinetic energy calculate करनी है. एक तो v1 10 meter per second की respect में velocity के respect में kinetic energy और दूसरी 20 meter per second के respect में kinetic energy. So here I write as kinetic energy at 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड के लिए सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा. सो KE1 फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी को मैंने रिप्रेजेंट किया है यहां पर KE1 से. सो KE1 इक्वल्स टू हाफ MV1 स्क्वायर. एज वी नो दैट काइनेटिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ MV स्क्वायर. सो एज ये फॉर्मूला यूज करके मैंने V की जगह क्या पुट कर दिया V1 क्योंकि यहां पर मैं दो अलग अलग वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करूंगा काइनेटिक एनर्जी. सो KE1 इक्वल्स टू हाफ MV1 स्क्वायर हाफ इनटू M. M की वैल्यू क्या है 2000 किलोग्राम. तो मैंने यहां पर पुट कर दिया 2000 किलोग्राम इनटू v1 फर्स्ट वेलोसिटी क्या आपकी 10 मीटर पर सेकंड. तो मैंने यहां पर 10 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर ये वैल्यू यहां पर पुट करी. जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सो वी विल गेट 1 लाख जूल. अब इस जूल को अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं सो इट विल कन्वर्ट इनटू किलो जूल. तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी किलो जूल में इजीली. तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा जूल की वैल्यू क्यों सो वी गेट 100 किलो जूल. कितना मिल जाएगा मेरे को 100 किलो जूल. तो ये 100 किलो जूल जो काइनेटिक एनर्जी है ये कब है जब वेलोसिटी क्या है वेन की 10 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एट 20 मीटर पर सेकंड. अब जब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और इंक्रीज हो गई अब मैं उसके लिए नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला के इक्वल्स टू हाफ एमवी स्क्वायर मैंने यहां पर KE2 कैलकुलेट किया. KE2 इक्वल्स टू हाफ MV2 स्क्वायर. ठीक है मैंने यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड तो मैंने v को v2 से रिप्रेजेंट किया है. सो हाफ इनटू m की वही वैल्यू मास सेम है 2000 किलोग्राम. मैंने यहाँ उठा के पुट कर दिया 2000 किलोग्राम इनटू न्यू वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड. तो मैंने यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड पुट कर दिया. तो हाफ इनटू 2000 किलोग्राम इनटू 20 का होल स्क्वायर. सो वी गेट 4 लाख जूल. कितना मिला हमको 4 लाख जूल. अगेन भाई किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 1000 से डिवाइड. तो जैसे आप यहां पर इस टर्म को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 400 किलो जूल. अब देखिए KE1 10 मीटर पर सेकंड के लिए 100 किलो जूल आया और KE2 20 मीटर पर सेकंड के लिए 400 किलो जूल आया. तो इससे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं इससे हम यह एनालिसिस कर सकते हैं कि वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होते ही काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया 100 किलो जूल से 400 किलो जूल. सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज KE2 माइनस KE1 मींस 400 किलो जूल माइनस 100 किलो जूल. तो जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास 300 किलो जूल. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वैन इंक्रीजेस बाय 300 किलो जूल व्हेन इट स्पीड अप फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड. थैंक यू.